लोगों ने जाना है फूफो के घर। माना नहीं है मैंने, सरल का गंदा हो जाएगा। बैठ के अपने अंकल मौसी वाली वीडियो बना, मैं थप्पड़ मारूंगी। मानो के अपने ही पंगे हैं यार, वापिस आ जाओ ज़ैनब। ओए डुडू पोके बच्चे हैं, वो कहते हैं रोज इधर आते, उनके ऊपर अब बैन लग गया है। डाकू आ गए, एक चला में पढ़ाती है। चलो लाइव में बैठो, ये लाइव की चले। यहाँ तो आवाज ही गूंजिस्तान हो रही है। हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, दिन शुरू हो चुका है। प्यारे प्यारे परिंदे एक उधर मतलब मानो इधर, इकरा कवल उधर। हम लोगों ने जाना है अभी अपनी फूफो के घर पे क्योंकि इनवाइट आया। और जब दूसरी बात मेन चीज जो आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स में देखा हुआ है, हमारा पैरट, हमारा डुडू, बहुत से लोग पूछते हैं वो किधर है, वो कहाँ है, वो कब, वो कैसे, वो क्यूँ, तो वो हमारी फूफो की तरफ गया हुआ है। तो हम उसको वापस ले आएंगे आज अपने घर पे, नहीं तो फिर वो वहीं रहेगा। तो ये जाके ही हमें सिचुएशन का पता चलने वाला है। अभी फिलहाल हम लोगों को होना तैयार, मानो भी सबकी वीडियोस बना बना के थक चुकी है और स्माइल ऐसे कर रही है जैसे किसी ने इसको बहुत डांटा हुआ और ये एक्टिंग कर रही है। अभी चलते हैं, अपना कपड़े कपड़े निकालते हैं। वैसे क्या कपड़े पहनूं, कुर्ता शलवार ही सोच रही हूँ पहनने का। मानो ने मेरे साथ जाना, मामा पापा, मानो राबिया घर, राबिया और हेरा गई हुई है शूट पे। पांच लोगों का कैरेक्टर जो एक बंदी करती है, वो बंदी सिर्फ अकेली घर पे रहेगी। मम्मा ने तो अपना ड्रेस निकाल लिया, मम्मा ने तो बड़ा नया ड्रेस निकाला है। तुम तैयार, तुम ऐसे ही जाना है? जूते पहन रही हूँ देखो। ओके हाँ मम्मी, आपका ड्रेस मैंने दिखा दिया, आप क्या कर रहे हो? मम्मी तैयार हो रही है। और ये मोहतरमा वीडियो बना के दो पोनिया करके खजूरन बन के यहाँ पे बैठी हुई। और इस लड़की ने नाश्ता पता कितने बजे किया है? पूरे 6:30 उठी। कितने बजे? 2:01। ओ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हम चलते हैं ऊपर अपने कपड़े लेने, तैयार होने। दिस इज माय लुक और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ जी नीचे फटाफट। हमारा जूता भी हो गया है साथ में, फुल मैच। चले मैं नीचे आई हूँ तो ये मोहतरमा बन, मैं हुई प्रो मैक। चश्मा मानो, चश्मा भी करो ना, बड़ी प्यारी लगेंगी। मैं करूँ? मानो नहीं है मैंने, सरल का गंदा हो जाएगा। नहीं होता, मानो ना, लो नहीं ना, मानो मेरे बाल तोड़ दिए हैं। बड़ी हो गई थी, कुछ भी नहीं, मुझे टच भी नहीं हुआ, झूठ बोल रही है। देखो एक मिनट, ऐसी रहो। हाँ देखना देखना, ये बड़ी होगी। मानो वो चिपक गई है। अरे कुछ भी नहीं होता यार, इतनी प्यारी बड़ी हो गई। गाइस ओके, बकवास। खुद देख लो मेरा फेस। मैंने कभी भी नहीं किया ये करके, मस्कारा लगा कर बहुत बढ़िया है। देखो मैंने भी आईलैश, तो ये राज है मानो के लैशेस का। गाइस माय मॉम इज रेडी। मम्मा मेरा चश्मा नहीं मिला तो मुझे तो चक्कर आएंगे। हाँ नीचे छोड़ गई थी। मानो अगर मुझे तेरे द्रास से बरामद हुआ ना तो तेरी मिटता नहीं। इतना गंदा ऊपर से इसका त्राज, देखे कैसे इसने मेकअप रखा। क्यों ना दिखाऊं, मैं अच्छी बच्ची हूं और आगे आने वाला। अच्छा फाइनली मेरा चश्मा मिल चुका है। चलो मेरा फोन पकड़ लिया, हम होने लगे हैं गाइस, लेट्स गो। फातिमा अकेली घर है। ओके फातिमा बाय बाय, बैठ के अपने अंकल मौसी वाली वीडियो बना। दो व्लॉगर्स। चल ये मेरा, गाइस इसके पास मेरा कैमरा क्योंकि अब ये वाला भी लगेगा, गाड़ी में जाके लगा लेना, शॉट भी ऐड करेंगे। मैं थप्पड़ मारूंगी। मैं अब तेरा भी नहीं। वन टू नहीं ना, ना 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 ना, तुमने भी फेंका मेरा। बुरी बात से नहीं डगा लगाते। मम्मा इससे मेरा फोन नीचे फेंका। ये क्या ज़ैनब व्लॉग ना? अरे नहीं आप ही कहीं बना रहे हो। पापा चार्जिंग को कितनी लगा? चलो पापा को गाड़ी तो चलाने दो, तुम पहले चार्जिंग। देखा पापा ही डांटे इसको। ये टाइम है सनसेट का और मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा अंडे की जर्दी लग रही है। मुझे देखो कितनी खुशी हुई। मैंने तो अभी देखा, मेरा तो मेकअप इतना प्यारा, इतना शाइनी लग रहा है। वाओ से ना देखो, जली हुई आंखों से तेरी आंखों में आग लग गई। हाँ सिर्फ फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, ब्लशन, मस्कारा और लिपस्टिक। सिर्फ 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 फ्री फ्री फ्री
अच्छा तो आप ही ना कब से ये मुझे अपना हाथ ना अब मेरे आगे यूं 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 करके ला रही है और मैं कह रही हूँ ये क्या है, जला रही हूँ मैं इसको, गलत बात है। मुझे फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन और मुझे दिखा रही है, ये देखो नोटिफिकेशन आया है मुझे, अल्लाह के कितनी गलत बात है। मैं इसकी यूजर नहीं हूँ और मैं अभी ताज़ा स्टार्ट, क्योंकि मुझे आई वॉच अच्छी लगती है ना इसलिए आप ही मुझे जेलस कर रही है। उसको पसंद है और मैंने कभी करी नहीं है बट अब मैं स्टार्ट किया। चौंसते ही होते हैं वैसे जिसके पास नहीं है वो करते करते किसी का मैसेज आ जाए, किसी की कॉल आ जाए, इसी में ब्लॉग बना। गुप्पी के करने जा रहे हैं गाड़ी में फ्रूट पिकनिक मनाने मनाते भी जाने। अच्छा आते वक्त मैंने आपको ना अंडे अंडे की शेप में मैंने आपको सूरज दिखाया था, जाते वक्त ये देखा मुंह निकला वो भी अंडे की अंडा। मेरा फोन मम्मा मैंने आगे चार्जिंग के लिए दिया था, मैं मेरा फोन नीचे गिरा दिया है। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं एस्ट्रोलॉजी का फोन। पहले क्या कहना चाहिए, अस्सलाम माशाल्लाह, ठीक है चलो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब यहाँ पे मिलन जुलन चल रहा है, यहाँ पे मिलन जुलन चलता रहेगा। तुम भी मिलो जाके, दो बार मिलो, ब्लॉग में नहीं मिली तो तब सीखे क्या इंग्लिश, मोटा जाते हो। फाइनली हमारी जो है ना वो भूखों के लिए चिपस आ गए। कोई बात नहीं, मेरी पुप्पी का घर है, कोई और होता मैं कभी भी नहीं बोलती। अब हम लोग आए हैं फाइनली। अच्छा यहाँ पे डूडू के और भी जानने वाले हैं, ये देखो जरा ये इधर आओ, मैं जैनब हूँ यार, मुझे भूल कैसे गए हो। ओए मानो आई, याद है आपको डूडू? हीरू कह रही है लेके आओ मेरा डूडू। डूडू को देखो टेप का झूला बना के, डूडू कैसे हो? डूडू का झूला दे। डूडू कह रहा ओए अल्लाह मानो को लगी है ये सर पे, वाह, और मानो यहाँ से गिरी है, वाह मानो वाह तेरे करिश्मे। निकलो, हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे करें वॉक क्योंकि ये जगह प्यारी है यहाँ। हाँ ये मजे की जगह, हमारा मिशन है यहाँ जाना, यहाँ जाना मानो गिरना मत, गिर मत जाना क्योंकि ये बिल्कुल नीचे जाओ, मानो के अपने ही पंगे हैं यार, वापिस आ जाओ जैनब। नहीं कुछ भी नहीं है, वो अपने घर की गली में घूमना, वापिस आओ। मैं बुलाऊं पापा को? मेरे हाथ में ऊपर से फोन है, मुझे नहीं पता। आई अल्लाह यहाँ पे मच्छर मेरा, मुझे डर है कि मेरा फोन ना नीचे गिर जाए, पता लगे इकरा कवल ने सारे जहान की डस्टिंग की, मुझे कुछ दिख नहीं रहा नीचे से, ऐसे देखो ये यहाँ इतना ग्लिटर ग्लिटर क्यों आ गया। इट्स वेरी वेरी रिस्की। हाँ जी बंद है, मानो तू गिर जाएगी, क्या पंगे ले रही हो, ये वही वायर है जो एलो वापिस आओ। ध्यान से बचत हो गई है, बड़ा स्टंट मार गए हैं डुडू, तेरे चक्करों में गए थे भाई। और ये लॉ डुडू को देखो क्या कल्टबाजियां मार रहा है। नाउ इट्स टी टाइम, वापस सो चुकी है, ये मेहमान है, अब हम बातें कर रहे हैं, ये मोहतरम सो चुकी। चले जी हम हो गए हैं यहाँ से फ्री और अब हम जाने लगे हैं अपने फूफो की बेकरी पे। ओए डुडू डूडू बहुत काटता है सभी से। नीली इसकी रुखसती का वक्त हो गया है, साथ इसका खाना, इसकी चूरी, और अब ये मिलेगा जाके अपनी हीरा फैसल से। देखे जी हम लोग आ चुके हैं फाइनली, ये है जी सेंट्रल पार्क में। चला तेरे मतलब की चीज आई, मानो ठीक है, मानो बस आपकी दुकान पे आपके आपकी बेकरी पे अटैक करने आई है। ये 1000 रुपए की नहीं मगर आती, इसका क्या प्राइस है? 70 रुपए का सोटा। ये कितने रुपए का? इकरा में पढ़ाती है या मैं पढ़ाती थी? हाँ मैं चलो लाइन में बैठो। हाँ मेरे पास एक डंडा होता था और ये इसको मैं पढ़ाती होती थी और इसको मैं तब भी मारती थी और इसको मैं अब भी मारूंगी। मानो डोंट अटैक ऑन एनीथिंग, सही है ना, पता लगे उनकी सारी बचत तुम ही खा गई। अच्छा पप्पो ने पैसे नहीं लेने तुमसे? पापा को देखे, पापा अपना शैम्पू शैम्पू खरीद रहे हैं यहाँ पे गाइस, ये देखे यहाँ पे बुनियादी बच्चों के लिए सारी गिजाएं मौजूद है और वहाँ पे लाइव किचन भी है। ये लाइव किचन है, यहाँ पे सारी चीजें पप्पो के घर पे खाई है ना वो यहाँ पे बन के आई है। अंदर चले,
हाँ अंदर जाते हैं, आए कुछ बनाते हैं। बेकरी के अंदर घुस गई हूँ और यहाँ तो आवाज ही गूंजस्तान हो रही है। अच्छा तो ये डोज पड़ी हुई है सारी, टमाटर काली शिमले के नीचे आ की है। अच्छा अंदर सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं। लॉटरी मानो की लॉटरी। अच्छा मेरी बड़ी विश थी, मेरी फूफो ने ना ये मतलब पहले नहीं था, हम पहले भी बेकरी में आए थे, लाइव किचन था लेकिन हम लोग अंदर नहीं आए थे। तो अभी मैंने फूफो ने कहा पैसे नहीं लेने, उन्होंने तो पास है नहीं, मांग तुम करता मेरे से यहाँ पे। अब हम बिल करवाएंगे, किधर जाना है। ये हमारा काउंटर आ गया, वो मानो देखे पापा उसकी शक्ल देख रहे हैं, खर्चा कराने आ गई है मानो। पापा आए ही कौन है? जनार्दन यार। हाँ पापा जी ये सोटा लिया इसको मारने के लिए। बबल मामा बबल, ये घर जाके इसे राबिया को पड़ेंगे। हाँ। नहीं नहीं बबल ऐसे सूंघ के डस्टबिन में। इसका जिंदगी में कोई काम नहीं है, सिर्फ डंडे का। वैसे स्केल भी है पूरा, आप इससे अपनी अलमारियों की हाइट नाप सकते हैं। ठीक है आपकी हाइट कितनी है मानो, कितने इससे साबित होता है कि मानो एक ठिकनी औरत नहीं है। हमारा अच्छा सा बिल निकालिएगा प्लीज। नहीं नहीं हम लोग बिल पे करेंगे, क्योंकि ये मानो जो खर्चे का घर है ना, ये आपकी जो दुकान है ना, ये पूरी खाली करके जाएगी। अच्छा हमारी दोनों कजन जो है ना, पप्पो की बच्चे हैं, वो कहते हैं वो रोज इधर आती हैं, वो उनके ऊपर ना उनके ऊपर अब बैन लग गया है। मैं आती है तो कहती डाकू आ गए। अब जैनब आएगी ना तो हम कहेंगे डाकू आ गए। ये जब हमारे कमरे में आती तब भी यही कहते डाकू। करा भी लिया नहीं, जिबा पहले करना शुरू कर दिया, पैसे भी उसके दिए नहीं तो खोलना शुरू कर दिया। भूखी औरत तो नहीं टेस्ट करना होता बिल्कुल भी। दिखाओ मुझे सबसे पहले इन छोटे छोटे डिब्बियों पे अटैक कर दिया। एक मिनट, वन टू। ये मैंने बचपन में मतलब मैं थोड़ी सी और छोटी थी ना, मैंने ये लिया था और मुझे लगा था इसके अंदर पूरा लॉलीपॉप होगा और इतना बड़ा तेरा लेकिन हेलो गाइस, मैं इकरा कवल आपके सामने इस वक्त हाजिर हूँ और ये लॉलीपॉप मेरा माइक बना हुआ है। ठीक है और ये है क्यूट प्रिंसेस का। अब हम लोग जाने लगे हैं गाइस, क्योंकि पैसे पूरे हो गए। अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं ये हमने ली नहीं राबिया के लिए, ये राबिया के काम आती हैं, वॉशरूम वगैरह अच्छा साफ कर लेती है। ओके अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं घर, तुमने तो नींद पूरी कर ली है मानो। हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर और ये लेकर। ओए एक चीज तो भूल गए, अपना डुडू डिक्की में वो रास्ते में बिल्कुल भी नहीं बोला। हीरू को सरप्राइज देते हैं। हाँ जी यहाँ पी आपके लिए एक सरप्राइज है, लो खुश है। मुझे पता था ये आ रहा है। इसको बंदी काटो, इसके पर खड़े हो गए, इसके पर अभी काटने, इसको नीचे रखो। आवाज कैसी लग रही है आपको हमारे घर? साथ में देखो इसका बाजरा, हाय खाना डालो ना, फूड साफ लेके आया। वो कह रही है देसी घी की बनी चूरी खाता है। हाँ और देसी घी के अलावा कोई घी नहीं खाता, चूरी बना के रख देती है, दिन के दो टाइम उसके पिंजरे में चूरी डाल देती है और चूरी खाता है। आज मुझे लगता है कि ये जो डुडू है ना ये हमें सोने नहीं देगा, ये ऊपर लेके आओगी इसको। नींद आ रही है मुझे शदीद वाली, अब मैं सुकून से अपने कमरे में रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आप सबसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।